वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का लेसन 24 जिसका नाम है सिख मत, यानी कि सिख धर्म के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भारतीय इतिहास के 23 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये सभी हिस्ट्री के नोट्स एनसीईआरटी की बुक पर आधारित हैं और आपकी सभी परीक्षाओं एसएससी बैंक रेलवे यूपीपीएससी पुलिस इन सभी परीक्षाओं के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो अपन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए आज की वीडियो में जो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन सूफी मत इनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इनसे रिलेटेड एक टॉपिक और बचा हुआ है सिख मत, यानी कि सिख धर्म से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो धार्मिक आंदोलन हुए उनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन से हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है, सूफी मत जो कि मुस्लिम धर्म का एक मत है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, और आज हम लोग सिख धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद ही मुगल वंश के बारे में चर्चा शुरू हो पाएगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं सिख मत के बारे में। तो देखिए सिख मत जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनके बारे में चलिए पूरे पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी जिसका अर्थ है शिष्य। आप देखिए पहले क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक ने की थी। और सिख धर्म यानी कि जो सिख शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शिष्य, ठीक है, क्योंकि सिख धर्म में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर मानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं सिख धर्म का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, यानी कि हिंदुओं की तरह सिख धर्म का मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर एक है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं गुरु नानक के बारे में, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वे सिख धर्म के संस्थापक हैं, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही बनता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, उन्हीं नोट्स के पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया है जो इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये तलमड्डी में हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तलमड्डी कहाँ पर है, ये आपका नानकाना में है, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं गुरु नानक निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, उनके समकालीन कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक के समकालीन कौन थे, यानी कि उसी समय गुरु नानक थे और उसी समय और कौन से ऐसे संत थे जो उनके समकालीन थे, तो देखिए कबीरदास जी गुरु नानक के समकालीन थे और चैतन्य महाप्रभु ये भी उनके समकालीन थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, यानी कि देखिए जो संस्थापक थे वो तो गुरु नानक थे, लेकिन गुरु नानक के बाद किसका नंबर आता है, तो दूसरे गुरु अंगद थे जिनका मूल नाम गुरु लेहना था, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर के जो गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु अंगद थे और उनका मूल नाम पूछा जा सकता है, तो उनका मूल नाम था गुरु लेहना। अब इनके बारे में इन्होंने एक जो प्रसिद्ध काम किया है वो पूछा जा सकता है, जैसे गुरु अंगद ने कौन सी लिपि चलाई, या आपसे पूछा जा सकता है गुरुमुखी लिपि किसने चलाई, तो आंसर है गुरु अंगद ने, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि चलाई जो कि गुरुवाणी थी, ठीक है, यानी कि गुरु की वाणी को गुरुवाणी कहते हैं और उसको गुरुमुखी लिपि के रूप में जाना जाता है। तो सिखों के जो दूसरे गुरु हैं अंगद के बारे में आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए। आगे देखते हैं सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, ठीक है, यानी कि गुरु नानक के बाद जो तीसरे क्रम के थे वो थे गुरु अमरदास, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। और अमरदास के बारे में बहुत अधिक पॉइंट नहीं बन पाता है, लेकिन आपको क्रम याद रखना है। आगे देखते हैं सिखों के चौथे गुरु रामदास थे और इनके काल में गुरु का पद वंशानुगत हो गया था, यानी कि जो गुरु का पद है वो वंश परंपरा के अनुसार चलने लगा था, तो वे कौन से गुरु थे जिनके काल से सिखों का गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, तो आंसर है रामदास, पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और गुरु रामदास के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है,
अमृतसर जो शहर है उसको किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। तो चौथे गुरु के बारे में आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, पंचम गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अब अर्जुन देव से काफी क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, तो वो आप देख लीजिए। अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर को पक्का कराया था, ठीक है, यानी कि जो अमृतसर सरोवर था, अमृतसर में जो तालाब है, बहुत ही बड़ा तालाब है, उसको पक्का किसने कराया था? अर्जुन देव ने। और वहां पर हरमंदिर साहब नामक एक पवित्र मंदिर का भी निर्माण कराया था, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, ठीक है। हरमंदिर साहब नामक एक मंदिर का निर्माण कराया था, और इस मंदिर की नींव किसने रखी थी? प्रसिद्ध संत मियां मीर ने रखी थी, ठीक है। यानी कि जो मंदिर था उसका निर्माण तो इन्होंने कराया था अर्जुन देव ने, लेकिन जो मीर जो नींव रखी थी वो संत मियां मीर ने रखी थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, ठीक है। लेकिन ये जो स्वर्ण मंदिर है वो स्वर्ण मंदिर कब से कहा जाने लगा? तो ये यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बाद में एक राजा हुए महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है, अंग्रेजों के काल में थे वो, महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर करवाया, मंडित करवाया, यानी कि इस पर सोने का कवर चढ़ाया, लेप चढ़ाया, ठीक है, और तब से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये जो मंदिर है उसकी नींव किसने रखाई थी? तो नींव रखाई थी संत मियां मीर ने, और किसके काल में? अर्जुन देव के काल में, ठीक है। और इसको स्वर्ण मंदिर कब से कहा जाने लगा? महाराजा रणजीत सिंह के बाद इनको, इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा गया। आगे देखिए, अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कराया था, ठीक है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, उसका संकलन किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका संकलन कराया था सिखों के गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को शरण दी थी, जिसके कारण उनके जहांगीर से संबंध खराब हो गए थे। यहां से देखिए टर्निंग पॉइंट आता है कि जो सिख धर्म के लोग हैं या सिख धर्म के गुरु थे या सिखों की जो बैर था, मूल था, जो दुश्मनी थी, वो मुगलों से किनके काल से प्रारंभ हुई? गुरु अर्जुन देव के काल से प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के पुत्र जो कि विद्रोही था खुसरो, उसको शरण दी थी। इसकी वजह से जहांगीर और अर्जुन देव के संबंध खराब हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, सिखों के छठवें गुरु कौन थे? हरगोविंद थे, ठीक है। और इनके काल में सिख लड़ाकू बने। लड़ाकू क्यों बने? क्योंकि उनके इनसे पहले जो पांचवें गुरु थे उनके काल से ही मुगलों के साथ संबंध खराब हो गए थे, और इसकी वजह से दोनों में युद्ध और विद्रोह की संभावनाएं बढ़ गई थी। इसकी वजह से सिख एक लड़ाकू प्रजाति के रूप में तब्दील होती गई। आगे देखिए, सिखों के सातवें गुरु कौन थे? तो देखिए, सिखों के सातवें गुरु हर राय थे और आठवें गुरु हर किशन थे। अब इन दो गुरुओं से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको बस क्रम याद रखना है। सिखों के सातवें गुरु हर राय और आठवें गुरु हर किशन थे। अब देखिए, नौवें गुरु के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर थे, और इनका मुगल बादशाह औरंगजेब से संघर्ष हुआ था और उनकी हत्या की थी। यानी कि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम गुरु के बारे में भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सिखों के दसवें गुरु और अंतिम गुरु कौन से? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। यानी कि दसवें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। अब ये खालसा पंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सिख धर्म का एक विशेष प्रकार का पंथ है, ठीक है। सिख धर्म की एक शाखा है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें कट्टर सिख को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, जो कि सिख धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से वो मानते हैं, तो उनको बोलते हैं खालसा पंथ। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल सन 1699 को की थी, ठीक है। 13 अप्रैल सन 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें पांच सिखों का चयन किया गया था, और उन्होंने पांच सिखों के चयन के लिए एक विशेष पद्धति का प्रयोग किया था, एक विशेष तरीके का प्रयोग किया था, जो कि सिख धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, ठीक है, तभी उस खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, अब देखिए, सिखों के जो दसवें गुरु थे गुरु गोविंद साहब, उन्होंने दो सिस्टम शुरू किए थे, दो नाम प्रयोग किए थे। उन्होंने पुरुषों के आगे सिंह, यानी कि जो भी सिख होगा उनके नाम के आगे सिंह लगाया जाएगा, और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना आरंभ किया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सिखों के जो पुरुष हैं, सिखों में जो पुरुष हैं उनके नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, जो कि सिखों के
अंतिम गुरु थे। तो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में जो मध्यकालीन भारत है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन, सूफी मत और सिख मत से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएगा। तो उसी क्रम में सिख धर्म के बारे में भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख के लिए 5 कंके अनिवार्य कर दिए थे, ठीक है, 5 कंके या 5 कंके अनिवार्य कर दिए थे। यानी कि जो भी सिख होगा वो अपने जीवन में 5 चीजें तो ग्रहण करेगा ही, 5 चीजों को उसको रखना अनिवार्य है, 5 चीजों को पहनना अनिवार्य माना गया था। वो कौन सी थी? तो देखिए, केस, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छ या कच्छा, ठीक है। तो इन 5 कंकों को, प्रत्येक सिख को इनका पालन करना, इनको रखना अनिवार्य रखा गया था। कौन सी थी? केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया था, इसके बाद अब यहां पर जो 10वें गुरु थे, इन्होंने अपने के बाद से, मतलब 10वें गुरु के बाद से गुरु का पद समाप्त कर दिया, यानी कि कोई भी अब आगे गुरु नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सिखों के 11वें गुरु कोई भी नहीं थे, क्योंकि आदि ग्रंथ का नया नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। यानी कि जो आदि ग्रंथ है, यानी कि जो उनका पवित्र ग्रंथ है, उसका नया नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। और इसी को अब सभी सिख गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसी को वो अपना गुरु मानते हैं, सभी सिख मानते हैं। और उसी के साथ ही उनका जो है, जो गुरु का पद था, वो समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं, इनके काल में सिख युद्ध प्रिय हो गए थे, यानी कि लड़ाकू होने के साथ साथ अब उन्हें युद्ध में बहुत ही रुचि हो गई थी, और उनके 2 पुत्रों को मुगलों ने दीवार में चिनवा, जिंदा चिनवा दिया था, ठीक है। इसी के कारण सिखों के मुगलों के साथ बहुत ही संबंध इस काल तक खराब हो चुकी थी, ठीक है। तो सिख धर्म के बारे में इस वीडियो में आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज को लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से आपको अब हिस्ट्री की अगली सीरीज में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मुगल वंश के बारे में बताया जाएगा, तो प्लीज इसका वेट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।